नमस्कार दोस्तों, ये जान लीजिए आपको हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या सिस्टम है। कोई भी सड़कें एक साल तक क्यों नहीं चल पाती, आइए सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। वजह है क्या, समझ रहे हैं आप क्यों नहीं चलती? ये देखिए, आप जैसे करेंगे ना, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ये पूरा रोड निकलता चला जाएगा, समझ रहे हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हकीकत। और हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी और जो ठेकेदार है, जिस तरह से पूरा वो करते हैं ना, जिस तरह से ठेका लेकर बनवाते हैं ना, उसके बाद ये समझ जाइए आप कि जिस तरह से बनवाते हैं, 3 से 4 महीने के बाद वो रोड का स्थिति ये हाल हो जाता है। और आइए और दिखाते हैं आप दोस्तों, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये तो मान लीजिए तो ठीक है इधर, ये देखिए, दादाजी ठेल दिए, रोड धस गई, समझ रहे हैं, ऐसा है हाल। ये समझ रहे हैं, इसी वजह से दोस्तों हमारे यहाँ की जो रोड है, दादाजी कस्टम नहीं पाते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? आप यहीं? अच्छा, जिला पंचायत के द्वारा बना रहे थे ना, जिला पंचायत 2 महीने हुए हैं। ठेकेदार का नाम क्या था? मुझे नहीं पता है, ये जान लीजिए दोस्तों, ठेकेदार का नाम इनको नहीं पता। और ये जान लीजिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ कोई लोहा नहीं है, समझ रहे हैं आप, लोहा नहीं है, फिर भी देखिए पूरी तरह से, ये देखिए जिला पंचायत आया है। और सोचिए कि ये रोड 3 महीने सिर्फ हुए हैं, तो 3 महीने हुए हैं, 1 साल भी ये रोड नहीं चल पाया। और ये रोड देखिए टूटता चला जा रहा है, मतलब इसमें कितना घपलेबाजी किया गया है, कितना इसमें पैसा ये लोग खाए हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। कितना कितने की लागत से ये रोड बनाया गया था, कितने की लागत से बनाया गया नहीं पता। क्या नाम है आपका? कितने दिन चलेगी अभी? तो 2 महीने 2 महीने खत्म हो जाएगी ना, और नहीं क्या? सोच लीजिए दोस्तों, 2 महीने में ये रोड खत्म हो जाएगी। आइए यहाँ आइए, इस वक्त में बता दें आपको दोस्तों, प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज के कर्मा नहीं, गाँव का नाम क्या है? बरौली। और क्या है? अति गनी। आपका क्या नाम है? नेता पटेल। अच्छी बताइए, रोड कब तक चलेगी? अरे देता है, तो आकर के उसको जांच भी किया जाना चाहिए ना, रोड सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सरकार की गलती है ना, अधिकारियों की गलती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गलती बटे आला अधिकारी है, उनको आकर जांच करनी चाहिए रोड की ना, सबसे बड़ी बात। सीमेंट इसमें क्या लगी है कुछ, हम लोग आते जाते देख रहे हैं, बालू ज्यादा है सीमेंट कम है, और यही वजह है कि आप ऐसे कर देंगे। पूरा पूरा सत्यानाश है यहाँ पर, आप जान लीजिए। पहले पानी गिट्टी डाली गई, गिट्टी डाली गई पहले, उसके बाद ऊपर से मसाला के ढलैया किया गया। खाली गिट्टी डाला गया था, गिट्टी डाला गया, इसी वजह से। ये जान लीजिए दर्शकों, अपने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में क्यों ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आप तो जानते ही है कि जो अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत के कारण, समझ रहे हैं। अगर अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत ना रहे ना, तो रोड काफी दिन तक चले, समझ रहे हैं। और अधिकारी जो है अगर रोडों की जांच करते रहे, समझ रहे हैं, जाकर के जो बनी है रोड उसकी जांच करे, उसका मुआयना करे, तो सोच लीजिए दर्शकों कि ठेकेदार गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन ठेकेदार गलत काम करते हैं, इसलिए उनको तो पता है, अधिकारियों को भी कुछ पैसे दे देंगे और हम अपना पैसा जो है घोटाला करके
लग जाएंगे पूरा। ऐसा सिस्टम है दर्शकों हमारे उत्तर प्रदेश में, और ये सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा, ये जान लीजिए।